और यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। इट मीन्स बेसिकली जो है ये वैकेंसी जो है असिस्टेंट और प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की है। और दोस्तों ये जो है एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे चल के जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये जो पोस्ट हैं इन इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट के बारे में जो है, और दोस्तों इसके फ़ी वगैरह क्या है, इन सब के बारे में जो है हम लोग पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग जो है ध्यान से पूरे वीडियो के दौरान बने रहें। और दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही जो बेल आइकॉन पर इट मीन्स घंटी का निशान जो है उस पर यदि आप टिक कर देते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका मैसेज मिल जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो है वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा दिया हुआ है, द यूनिवर्सिटी इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है ये फॉर्म जो है इनवाइट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, आगे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे है इसमें। और दोस्तों डिटेल के लिए जो है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। आगे आपको मैं वेबसाइट का नाम बताऊँ, वेबसाइट के बारे में बताऊँगा आगे चल के। अभी दोस्तों हम लोग देख लें यहाँ पे कि एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स में, जैसे आप देख सकते हो कि एक पोस्ट है ये अनरिजर्व की, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो है वन पोस्ट है ये एसटी कैटेगरी के लिए। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों जैसा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2010 एज अमेंडेड अप टू डेट दैट इज़ जुलाई 11 2016 फोर्थ अमेंडमेंट, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एटलीस्ट होनी चाहिए। एंड और या और भी दूसरा जो दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हायर एजुकेशन, और ये वाइड ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। देन स्पेशलाइजेशन की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर सीरियल नंबर वन एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मतलब ये यदि सीरियल नंबर वन की बात करें हम लोग जैसे कि मैथमेटिक्स में जो पोस्ट है उसके लिए जो है कि एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के किसी ब्रांच में आप मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए। हम लोग स्केल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल ऑफ पे जो है रुपये 37,400 से 67,000 का ये स्केल है, और प्लस जो है एजीपी जो है रुपये 9,000 है, ठीक है, और एज एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स जो है, जो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है एज और अदर क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है पहला जो है जियोग्राफी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वन पोस्ट है ऑन रिजर्व की, वैसे जो है मैथमेटिक्स में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये फाइव पोस्ट हैं, पाँच पोस्ट है इसमें जो है ऑन रिजर्व की चार है और एस टी की वन सीट है, और लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो है दो पोस्ट है, ठीक है, ऑन रिजर्व की। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अब इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2010 एज अमेंडेड अप टू डेट, ठीक है, मतलब यूजीसी रेगुलेशन 2010 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं जैसे इसमें दैट इज़ जुलाई 11 2016 फोर्थ अमेंडमेंट दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए। देन एक और दिया है जैसे कि और करके कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन या हायर एजुकेशन वाइड जियो नंबर दिस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन करके दिया है कि एमएससी और एमए इन जियोग्राफी विल बी कंसीडर्ड एज रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि एमएससी या एमए जो है जियोग्राफी में आपका है तो मतलब जियोग्राफी के सब्जेक्ट के लिए आप जो है कंसीडर किए जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सेकेंड जो सीरियल सेकेंड ये नंबर करके दिया है, फॉर सीरियल नंबर वन सर्टिफाइड एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग ऑन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है,
इसमें जो है जैसा कि दोस्तों ये दिया हुआ है कि ये सीरियल नंबर वन की यदि बात करें हम लोग, जैसा कि ये जियोग्राफी में आप देख सकते हो, ये जियोग्राफी में कि सीरियल नंबर वन की यदि बात करो आप, तो सॉरी ये सीरियल नंबर वन में जो है आप देख सकते हो कि इसमें क्या दे रहा है कि सर्टिफाइड एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग ऑन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, मतलब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में जो है कोई आपका सर्टिफाइड एक्सपर्टाइज होना चाहिए एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और इसका जो है एप्लीकेशन जो है फिजिकल ज्योग्राफी के किसी ब्रांच में स्पेशलाइजेशन हो, देन इट विल बी मोर बेटर फॉर यू. ओके, मतलब सीरियल नंबर वन के लिए ज्योग्राफी के लिए जो है ये मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया है, मतलब ये इसेंशियल नहीं है बट ये डिजायरेबल है. ठीक है, अब बात करें हम लोग ये फॉर सीरियल नंबर टू, ये सीरियल नंबर टू में कौन आप देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट है मैथ, ये जो है सीरियल नंबर टू की बात करें तो इसमें दिया है कि फॉर वन पोस्ट स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और बायोफिजिकल केमिस्ट्री, और फॉर वन पोस्ट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो एक पोस्ट जो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के लिए है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी या बायोफिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और एक पोस्ट जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए है. ठीक है, और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जैसा दिया है कि फॉर सीरियल नंबर टू फॉर वन पोस्ट एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैन अप्लाई, मतलब एक पोस्ट के लिए जो है कोई भी मैथमेटिक्स का जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है किसी ब्रांच का हो. फॉर अदर पोस्ट प्रेफरेबली विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशन रिसर्च, सॉलिड मैकेनिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, फंक्शनल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल जियोमेट्री आर एप्लीकेबल. ठीक है, और बाकी पोस्ट के लिए दिया हुआ है कि इन ब्रांच में जैसे हमने जो नाम लिया उनमें से जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. अब दोस्तों हम लोग बात कर ले यहाँ पे जो है कि स्केल ऑफ पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 39,100 के बीच में जो है ये पे स्केल है, और उसके लिए एजीपी जो है 6,000 है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, एज एंड अदर क्राइटेरिया जो है ये एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल जो है आपका एज और अदर क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल होना चाहिए. देन दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज 18/12/2018. ठीक है, यदि डेडलाइन की बात करें हम लोग कि ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन जो है 18/12/2018 है. ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको देखने से पहले जो है हम लोग देख लें कि किस यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है. तो यूनिवर्सिटी जो है जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता का ये फॉर्म है. दोस्तों आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और दोस्तों मोर डिटेल के लिए जो है ज़्यादा डिटेल यदि आप और जानकारी लेना चाहते हो तो उसके साइट पर जाकर के, जाधवपुर यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर के आप जो है एडवर्टीजमेंट को जो है अच्छे ढंग से पढ़ के सेटिस्फाई होकर देन जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई करना. ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लें यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसा कि दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट हमारे अकॉर्डिंग लगा मैंने आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट पूरा दोस्तों आप लोग पूरे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ लेना, हर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, देन आप अप्लाई करना. ठीक है, जैसा इसमें देख सकते हो दोस्तों ये पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म इन पीडीएफ फॉर्मेट इज़ अवेलेबल एट द JU वेबसाइट. ठीक है, मतलब जाधवपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, और यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट की यदि बात करूँ तो वेबसाइट यहाँ पे है, बता देता हूँ आपको कि www.jadunivv.edu.in. ठीक है, इस पे जाकर के आप जो है डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग. और दूसरा इसमें पॉइंट है दोस्तों कि प्लीज़ पे द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500 फॉलोइंग द पेमेंट लिंक गिवन फॉर इंडियन सिटीजन स्टेइंग आउटसाइड इन DD एज इंडिकेटेड इन द JU वेबसाइट. ठीक है, मतलब ₹500 का जो है आपको ₹500 लगेंगे जो है फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी जो है, और इसके लिए जो है यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इसके माध्यम से जो है आप जो है ये पेमेंट कर सकते हो. अब देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें थर्ड की, ये थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है कि फिलअप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लो और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है सेंड करना है. इसमें दिया है ब्रैकेट में कि 1 ओरिजिनल एंड 7 फोटोकॉपीज, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो एक तो आपका ओरिजिनल रहेगा और 7 कॉपीज जो है उसकी फोटोकॉपीज रहेंगी, अलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स एंड अ कॉपी द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और चालान टू द रजिस्ट्रार, मतलब जो
दोस्तों इसके साथ साथ जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो मतलब एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और साथ जो है फोटो कॉपी उस एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी, और उसके साथ साथ जो है जो भी आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं मतलब मार्कशीट डिग्री जो भी हैं उन सब का जो है आप अटेस्टेड फोटो कॉपी मतलब फोटो कॉपी को जो अटेस्ट करके, और एक जो है इसमें रिसिप्ट जो पेमेंट का रिसिप्ट या फिर चालान है उसको जो है आपको मतलब जो है उसमें एक कॉपी लगाना है, और इसको जो है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है सेंड कर देना है आपको रजिस्ट्रार जाधवपुर यूनिवर्सिटी अरविंदो भवन 188 राजा SC मल्लिक रोड जाधवपुर कोलकाता 700032, ठीक है। और ये जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या इन पर्सन टू द इंफॉर्मेशन ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज विद इन 11 AM to 4 PM, ठीक है। 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक जो है आप यहाँ पे जो है मतलब भेज सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है आपको मतलब भेज सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म को, या दे रहा है कि इन पर्सन टू द इंफॉर्मेशन ऑफिस, ठीक है, ऑन ऑल वर्किंग डेज विद इन 11 to 4 PM, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है कि प्लीज सुपरस्क्राइब द इनवेलप विद द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड द एडवर्टीजमेंट नंबर, मतलब जिस जो है आप पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है जो इनवेलप रहेगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आप रखोगे तो उस इनवेलप पे जो है आपको ये प्रॉपर मेंशन करना है कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, और एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको उस पर मेंशन करना है। तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें हो गई, इसमें और भी इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको भी आप पढ़ लेना। अब इसमें 11 जो पॉइंट है दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका जो है यदि आपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा हुआ है, कम्प्लीट नहीं है आपका किसी भी मामले में, तो वो जो है उस टाइम पर रिजेक्ट हो सकता है। देन जो 12वां पॉइंट है कि अप्लाई सेपरेटली फॉर मोर देन वन पोस्ट पेइंग फीस अकॉर्डिंगली, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, और उसके साथ साथ जो आपको अप्लाई सेपरेटली फॉर मोर देन वन पोस्ट, ठीक है, पेइंग फीस अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ी भी जो है सबमिट करनी होगी। फिर जो 13th पॉइंट है 13वां पॉइंट की डिटेल्स ऑफ मेथड ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन एज अप्रूव्ड विल बी फॉलोड, ठीक है, जो भी मतलब स्क्रीनिंग और सिलेक्शन का अप्रूव्ड क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो किया जाएगा, और रिसर्च पब्लिकेशन विल बी कंसीडर्ड एज पर द जर्नल लिस्ट पब्लिश्ड इन UGC और यूनिवर्सिटी वेबसाइट, मतलब जो रिसर्च पब्लिकेशन आपके जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, जो जर्नल की लिस्ट जो है पब्लिश है UGC के वेबसाइट पे या फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो उस पे जो जर्नल की लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो पब्लिकेशन होगा उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। देन अब दोस्तों यहाँ पे 14th यदि हम लोग पॉइंट की बात करें तो दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एबव पोस्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन नंबर दिस, ये जो अलग अलग जो इसमें नोटिफिकेशन नंबर दिए हुए हैं कि इनको यदि आपने मतलब ये जब निकला हुआ था तो उसको यदि आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है कि नीड टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म विथ अपडेटेड बायोडाटा विदाउट पेइंग एप्लीकेशन फी अगेन, मतलब आपको जो है यदि कुछ चेंजेस इस समय कुछ आपने हो सकता है कि रिसर्च पेपर कुछ आपके पब्लिश हुए हैं जो भी कुछ एक्स्ट्रा हुआ हो तो उसके साथ मतलब आप अपडेटेड जो है अपना बायोडाटा जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको भेजना है, और बट उसके लिए आपको कोई फी जो है पे नहीं करना है। तो दोस्तों ये हम लोग आज डिस्कस किए जाधवपुर यूनिवर्सिटी के जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो कि असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है आई हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव आज का वीडियो लगा हो तो चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे आपको करना है, और दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ अक्सर मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ जिससे कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके कि डिफरेंट जगह पे कहाँ पे हायर एजुकेशन में पोस्ट निकली है या फिर नेट वगैरह के जो फॉर्म आते हैं या नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ जो कि PSC में UPPSC UPSC TET वगैरह या फिर नेट के एग्ज़ाम में जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना पेशेंसफुली वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।